गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अखलाक अमर. टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू मेनी पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर्स. आई मीन वी विल स्टडी टुडे ब्लॉक्स एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड sources of elements, contribution or distribution of elements, importance of elements and some important elements name, their atomic number and their atomic mass and electronic configuration, valence electron, valency group, class, periods, characters. I mean metallic character, metalloid character and non-metallic character. We have already studied in previous class Dobrena triads and Newland law of octaves, Mendeleev periodic table and their limited characteristics of laws and their limitation also. We have already completed this chapter in previous classes. Today we have to already discuss about blocks. Blocks are also compulsory. So dear students, today you have to watch at this whiteboard blocks. Blocks, how many kinds of blocks in periodic table, in the periodic table, do you know? Yes, four blocks. First S block, second P block, third D block and fourth F block. So today we have to discuss about these blocks and today we will also watch Henry Moseley periodic table, I mean modern periodic table. Henry Moseley का इसमें योगदान है, बोर का योगदान है, ब्यूरी का योगदान है, बर्कलीन का और बहुत सारे साइंटिस्ट आकर के इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मिल करके सफल बनाया है. इसमें से हम वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट या चीफ साइंटिस्ट को हम मोसले को मान सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इस मोसले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल 18th और 19th सेंचुरी में आ चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट है पीरियोडिक टेबल डोबरेना ट्रायड्स बताया जाता है, जो जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें भी डिफेक्ट आ गया और उसको भी नकार दिया गया. 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में बहुत सारे इसी तरह से पीरियोडिक टेबल पर आधारित कुछ लॉज दिए गए, लेकिन सब एक के बाद एक जो है खत्म होता गया, उसकी मान्यता समाप्त होती गई, उसमें डिफेक्ट्स निकलता चला गया. जैसे कुछ उसमें से हम इंपॉर्टेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल पर प्रयास किया गया था उसका नाम मैं बताना चाहता हूं आपको. जैसे पहला जो है वो डोबरेना ट्रायड्स है, दूसरा न्यूलैंड ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है जिसमें सारे गामा पा धा नी सा के आधार पर एक म्यूजिक नोट्स के आधार पर उसको लाया गया था, बनाया गया था. इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. बाद में मेंडेलीव पीरियडिक टेबल आया जो हद तक काफी बढ़िया रहा और बीच बीच में उन्होंने एका बोरोन, एका अल्मोनियम, एका सिलिकॉन दिया. एक इसका क्या मतलब होता है कि ये प्रेडिक्टेड कुछ एलिमेंट्स थे जिसका नाम नहीं बताया गया था बिफोर डिस्कवरी ऑफ दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एका बोरोन, एका अल्मोनियम, एका सिलिकॉन, बट आफ्टर डिस्कवरी इट बिकम्स गैलियम
it becomes scandium, accordingly it becomes gallium and it becomes germanium. तो बाद में चल करके ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया गया, लेकिन मेंडेलीफ के टाइम में इनका नाम जो है एका बोरॉन, एका अल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के नाम से जाना गया। उसका वो जगह छोड़ दिए थे और बहुत सारे डिफेक्ट थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट इन सारे पीरियोडिक टेबल में क्या रहा कि इन लोगों ने एटॉमिक वेट पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट ऑफ फिलामेंट्स के आधार पर, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर उन लोगों ने इस पीरियोडिक टेबल को सजाने का काम किया था। लेकिन जब हेनरी मोस्ले आए, उन्होंने कहा एक्सरेज पर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? एक्सरेज पर। किस पर कर रहे थे? एक्सरेज पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ली जाए तो इसका फ्रीक्वेंसी पर्सन बाय जेड होता है, और वेयर जेड इज इक्वल, number of protons होता है। You can say Z is also known as atomic number, और ये physical और chemical property जो है based इसका atomic number पर होना चाहिए, नहीं कि atomic mass पर। और उन्होंने periodic table जो बनाने का प्रयास किया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को नहीं लेकर के एटॉमिक नंबर को लेकर के उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाने का प्रयास किया। आज आइए उनके द्वारा जो सजाया गया पीरियोडिक टेबल है वो आज जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बच्चे पढ़ते हैं, और उस पीरियोडिक टेबल के आधार पर जो है हम सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को जानते हैं। आज उस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ने का उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर प्रयास करेंगे। सो वी आर ऑलरेडी गोइंग टू ट्राई मेक दिस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आज तक डिफिकल्ट मानते आप आ रहे हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिफिकल्ट है बनाना या फिर याद करना? प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। Nothing is impossible in the world, you know very well about that. Impossible says itself, I am possible. अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे दें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप जो है बात बात में, चुटकी में जिसको कहते हैं, बना करके आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इसका हॉट ट्रिक्स है, आप आज गौर करें और देखें। मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि 40 मिनट्स में आप जो है इस पीरियोडिक टेबल को आराम से सीख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा और आपको आराम से ध्यान देकर के मैं जिस तरह से लिखने जा रहा हूं आपको देखना पड़ेगा। मेरे हाथ पर देखिए आप, प्लीज लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड, आई एम ऑलरेडी गोइंग टू राइट हियर मेक दिस पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज द हॉट ट्रिक ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल मेकिंग फॉर्म, हम बताने जा रहे हैं आपको। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप कैसे बनाया जा रहा है। चलिए मैं लिखता हूं हेनरी मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, बोर का भी बोल सकते हैं, सब लोगों ने मिल करके इसमें योगदान दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आप सभी को पता हो गया कि कितना ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक है और वो सब सेल के आधार पर है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल करके 2 सीरीज में, 4F सीरीज और 5F सीरीज में 14 एलिमेंट्स निकाल करके बाहर कर दिया गया है और बाकी के सभी एलिमेंट्स एक साथ आपको साइमल्टेनियसली यहां पर दिखाए जाएंगे। देखिए मैं कैसे दिखाने जा रहा हूं। चलिए पहले हम लोग ग्रुप्स दिखाएं और पीरियड्स दिखाएं। ग्रुप्स को रोमन नंबर में भी लिखा जाता है, लेकिन अगर आईयूपीएससी की बात करें, आईयूपीएससी, डू यू नो अबाउट आईयूपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात हम करें तो उसके अकॉर्डिंगली रोमन नंबर को हटा करके डिजिट में ग्रुप को लिखा गया है। तो आज हम डिजिट में ही लिख करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, एलिना कर
से फरियाद। चलिए आइए प्रेजेंटर रूम में दिखा दिए। ये है यह हाइड्रोजन है। चलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर ऊपर खींचेंगे। थर्टीन पर इसके सामने ये हो गया। ये चलिए मैं दे रहा हूं आपको ग्रुप का नेम दे रहा हूं। ग्रुप नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 ग्रुप्स हो गए और 7 पीरियड हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये 7 पीरियड्स हो गए और आपके ग्रुप्स हो गए 18। अब चलिए सभी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, सभी में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे और घबराने की बिल्कुल जरूरत इसलिए नहीं है कि बिल्कुल टेक्निक है भरने का। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप एलिमेंट्स के बारे में सुनने जा रहे हो, तब भी आप अगर ध्यान लगाएंगे तो 30 मिनट्स में सभी को टेक्निक के माध्यम से भर सकते हैं। तो आइए आज करके हम लोग देखते हैं मैजिक मोमेंट। ये है, दिस इज कॉल्ड मैजिक मोमेंट। ये मैजिक मोमेंट है, हम लोग देखेंगे कैसे। तो आइए ऐसे देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन है, लिथियम है, ब्रेलियम है। ब्रेलियम है तो यहां पर इसके सामने है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन लिख सकते हैं। और एक एक्सेप्शनली जो है पी ग्रुप में, पी ब्लॉक में आपको हीलियम भी आता है तो हीलियम को हम डाल सकते हैं। ये आपका जितना आप देख रहे हैं ये टोटल का टोटल आपका पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके सामने जो भी होंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, इसके सामने जो भी होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपका दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक को हम लोग बाहर में निकाल दिए हैं, उसको हम लोग इसके साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग से उसको पढ़ेंगे हम लोग। 14 एलिमेंट्स का दो सीरीज में बांटा गया है, 4F सीरीज और 5F सीरीज में। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसको क्यों कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसको इसके लिए कहा जाता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें इलेक्ट्रॉन एस सब ग्रुप में इंटर करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें एस ब्लॉक में ही मूव करता है। सो दैट इसको हम लोग जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसका एक एग्जांपल से आप प्रूफ कर सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं, किसी का उठा ले। यहां देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर भी सबका टेक्निक से भरेंगे, आप देखेंगे इसके बाद। थोड़ा सा मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स 1s1 है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाएगा। चलिए हाइड्रोजन को छोड़कर मैं लिथियम पर बात करता हूं। लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s2 2s1
एस ब्लॉक लास्ट में, इसमें भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है, एस ब्लॉक में घूम रहा है, सो दैट लिथियम इज ऑल्सो रिलेटेड टू एस ब्लॉक। आप लिथियम को भी एस ब्लॉक में कह सकते हैं। थोड़ा सा हम नीचे आकर के देखते हैं, हम कैल्सियम को लेते हैं, कैल्सियम एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये 20 हो गया टोटल। आप काउंट कर लेंगे 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 20 होता है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखें इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में घूम रहा है, किस सब सेल में घूम रहा है, एस में, सो दैट कैल्शियम इज ऑल्सो रिलेटेड टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह से सबका आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसी तरह से बी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसको, इन सारे यहां तक के टोटल एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा होता है, डी ब्लॉक में कर रहा होता है, डी सबसेल में कर रहा होता है, सो दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी उसी तरह से है। लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम देखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, so those elements are already related to p block elements and those are also known as p block elements। आप इसको बोल सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि inert gas को जो last में 18 group का elements है इसको आप p block में नहीं रख सकते हैं, जब उसके last में भी p subshell में electron आपको move करता रहता है, तो why will not you say that is also p block elements, that is also related to p block elements। और उसमें हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन एंड रेडन आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन एंड रेडन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, एलिमेंट्स भरते हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स इसमें फिलअप होगा मैं आपको उसका टेक्निक बता रहा हूं। आइए पहला हम ग्रुप में देखेंगे, फर्स्ट ए में हमने लिखा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम फ्रांसियम, इसको टेक्निक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, है लीना कर रब से फरियाद, है लीना कर रब से फरियाद, इसके द्वारा आप यहां पर एलिमेंट्स को सजा सकते हैं। इसमें बे मगज का सर बड़ा, बे मगज का सर बड़ा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम एंड रेडॉन, तो आप इस तरह से आप इसको टेक्निक के साथ लिख सकते हैं। थ्री में क्या होगा, थ्री में है, थ्री में स्कैंडियम स्कूटर एमआर ला एक, स्कूटर यमहा ला एक, वेरी गुड। आइए देखते हैं फोर में, तिरलोकी तिरलोकी जरा हाफ, तिरलोकी जरा हाफ, आप आइए देखते हैं हम लोग बैरेडियम से वो नवाब, वो नवाब थे, वेरी गुड। आइए हम लोग देखते हैं क्रोमियम, ये है क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, करो माओ मन तकरे, मन तकरे पेरस कौन कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा आयरलैंड,
नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा। कौन आगे आया? जीनी, कनाडा, हज। यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि इस पर कुछ समझाना है आपको, और यहां भी स्टार लगा रहा हूं, यहां भी कुछ समझाना है आपको। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। बाल गंगाधर, बाल गंगाधर इन थैला, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल है। बाल गंगाधर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। वो स्टाइल से, स्टाइल से तेल पॉलिश करता है, वो स्टाइल से तेल पॉलिश करता है। फिर कॉल करने के लिए बाहर आई आंटी, फिर कॉल करने के लिए बाहर आई आंटी। और ये इनर्ट गैस, नोबल गैस, एट ए या फिर 18A ग्रुप को हम बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ नेवर अराइव, नेवर अराइव कर रन आउट, या इसको हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन के नाम से भी जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन वॉच दिस व्हाइट बोर्ड। आपको क्या लगता है कि इस टेक्निक के द्वारा आप आराम से एलिमेंट्स का नाम याद नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हाय लीना कर रब से फरियाद, दूसरे ग्रुप के जाइए, बे मगज का सिर बड़ा, स्कूटर एमहाला एक, त्रिलोकी जड़ा हाथ, वो नवाब थे क्रो माओ, सेवन ग्रुप का मन तक रे, एट ग्रुप फेरस ही ले सकते हैं तीनों को मिला करके, फेरस। नाइन ग्रुप में कौन रहेगा आयरलैंड, और नहीं पढ़ेगा तो पीटेगा 10 ग्रुप, और कौन आगे आया 11 ग्रुप, जीनी, कनाडा, हज आपको 12 ग्रुप, और 13 में आप देख सकते हैं बे, बाल गंगाधर, तिलक इन थैला, टी एल थैला। कौन काशी गए संत प्रभु, काशी गए 14 में देखिए, काशी गए संत प्रभु, नहीं ये आप देखिए NPSSB, नहीं पास तो सब बकवास, और वो स्टाइल से तेल पॉलिश करते हैं। और यहां पर देख लीजिए, फिर कॉल
बाहर करने आई अंटी। और ये आप देख लीजिए, ये इनर्ट गैस का है। ही नेवर अराइव कर जे रन आउट। तो ये टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्या इसका एटॉमिक नंबर कोई ट्रिक से लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ट्रिक से लिखा जा सकता है इसका एटॉमिक नंबर। वो कैसे, देखिए इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीडियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्ट्रॉन्टियम बेरियम रेडन स्कैंडियम येट्रियम लैथियम एक्टिनियम आप टिटेनियम जिरकोनियम हाफनियम वैनेडियम नियोबियम आप टैलिरियम देख रहे क्रोमियम मोनोबिडेनम टंगस्टन डब्लू को हम टंगस्टन बोलते हैं मैग्नीज टेक्नीशियम आप रेनन बोले आयरन रुथेनियम ऑस्मियम कोबाल्ट रुबेडियम इरकेनियम निकेल निकेल प्लम्बम और ये प्लेटिनम कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी ऊपर से ये बोरन अल्मोनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड नाइट्रोजन फास्फोरस ऑस्मियम आर्सेनिक ये एंटीमनी बिस्मथ ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटिन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन। तो ये नाम आप याद कर लीजिए इस तरह से। और सबसे बढ़िया टेक्निक की क्या, चूंकि ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप अभी देख रहे हो ये किस पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर। और पहले वाला जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया किस पर आधारित था, एटॉमिक मास पर। तो क्या हम एटॉमिक नंबर यानी के एलिमेंट्स का नंबर हम डोनेट कर सकते हैं? आपको डोनेट करने के लिए इसमें इसका मैजिक नंबर का ट्रिक अपनाना पड़ेगा। क्या ट्रिक है भाई, क्या इसका ट्रिक है? मैजिक नंबर का एक ट्रिक है, मैजिक नंबर। प्यारे बच्चों 2 8 8 18 18 32 ये है आपको मैजिक नंबर। इससे इसके सपोर्ट से हम लोग किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। यहां पर एक एक्सेप्शनली हम हाइड्रोजन को छोड़ दें, हाइड्रोजन वन है तो वन में चलिए वन में हम टू जोड़ते हैं, लिथियम का थ्री हो जाएगा, वेरी गुड। और ये फोर किस ग्रुप के लिए होता है ये वाला नंबर मैजिक नंबर, फोर वन टू एंड एटीन ग्रुप के लिए, किस ग्रुप के लिए, वन टू एटीन ग्रुप के लिए। तो भैया ये 13 14 15 16 17 ग्रुप के लिए क्या होगा, तो इस ग्रुप के लिए आपको इसमें से ये दो हटा देना होगा, इस ग्रुप के लिए 8 18 18 32 होगा। जैसे लिथियम बेरिलियम बोरन ये 5 है, 5 में 8 डालेंगे 13 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप पी ब्लॉक के लिए फोर पी ब्लॉक एक्सेप्ट 18 ग्रुप, एक्सेप्ट 18 ग्रुप पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर क्या होगा, मैजिक नंबर होगा 8 18 18 32 होगा, वेरी गुड। पी ब्लॉक के लिए एक्सेप्ट इनर्ट गैस नोबल गैस 18 ग्रुप्स,
मैजिक नंबर क्या होगा, 8, 18, 18, 32, उस पर हम लोग रख करके सजा करके उसका भी हम लोग टेस्ट लेंगे। अभी हम लोग लेते हैं 1, 1, 2 और 18 ग्रुप का। चलिए आइए देखते हैं। तो 2 लगा दिया, 1 हाइड्रोजन में 2 लगा दिया तो लिथियम का 3 हो गया। अब 2 के बाद 8 लगाया तो सोडियम 11 हो गया। 8 के बाद फिर 8 लगाया तो पोटेशियम 19 हो गया। और 8 के बाद 18 लगाया तो यहां पर क्या हो जाएगा, रुबिडियम का 18 इसमें जोड़ेंगे हम, तो 18 जोड़ेंगे तो 8, 27, 37 हो जाएगा। 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, 37 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 55। और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 787, कितना हो जाएगा, 87, वेरी गुड। तो जब एक निकल गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और बीच में चेक कर सकते हो। चलिए ये सोडियम हो गया 11 तो मैग्नीशियम 12 के सामने देखिए क्या है, ये हो गया 13, ये हो गया 14, 15, 16, 17 और 18, वेरी गुड। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वैनेडियम 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, वेरी गुड। अभी देखिए यहां 37 है तो 38, स्ट्रॉन्टियम 38, इट्रियम कितना हो जाएगा 39, जिरकोनियम 40, नोबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नेशियम क्या हो जाएगा 43, रुथेनियम 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54। चलिए यहां 55 है, ये हो गया 56, ये हो गया 57। एक चीज यहां बताना था आपको, चूंकि स्टार दिया हुआ है इस एलिमेंट्स को, देखें स्टार दिया हुआ है यहां पर, स्टार का मतलब ये हुआ कि यहां पर से लैंथेनाइड्स ग्रुप में 4F सीरीज में आपको F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स निकाल लिया गया है, यानी कि 77 तो हो गया, ये 78 ये तो 57 हो गया, अब 78 to 71 ये टोटल एलिमेंट्स F ब्लॉक एलिमेंट्स में है। F ब्लॉक मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लैंथेनाइड्स जो फर्स्ट सीरीज है, 4F का सीरीज है, उसमें 14 एलिमेंट्स रख दिया गया है। तो यहां पर से 58 to 71 यहां से गायब है। अब यहां हाफनियम जो है वो वहां से आप 72 से स्टार्ट करेंगे, 72 73 74 75 76 77 78 79 80। थैलियम 81 82, लेड बिस्मथ 83 84, प्लूटोनियम स्टार्टिन 85 और रेडन 86। ये लगभग आपने टोटल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिख दिया। यहां पर आइए 87 है, 86 87 87, अब ये हो गया 88 और ये हो गया 89 है। यहां पर भी स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मीनिंग है कि इसमें से 92 103
निकाल लिया गया है एफ ब्लॉक के लिए 5F सीरीज में, और इसी जगह से 14 इलेमेंट्स को निकाला गया है, इसीलिए उस सीरीज का नाम 5F सीरीज एक्टिनाइड्स है। क्या नाम है उसका? एक्टिनाइड्स। और यहां लेंथेनाइड से जगह पर लेंथेनम के जगह पर निकाला गया, तो उसका एफ 4F सीरीज में एफ ब्लॉक में उस 14 इलेमेंट्स का नाम लेंथेनाइड्स दिया गया है, क्योंकि लेंथेनम के पास से निकाला गया है, यह एक्टिनम के एक्टिनम के एक्टिनियम के पास से निकाला गया है, तो इसको एक्टिनाइड्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लगभग सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल लिया है। ऊपर के बचे हुए हैं तो देख लीजिए, ये 3 है और 3 के बाद ये होगा 4, ये है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हीलियम का 2 होता है एक्सेप्शनली, ये अलग है। तो हम लोग इस तरह से आराम से पीरियोडिक टेबल को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, और इस 288, 18, 18, 32 के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। आइए यहां पर हम चेक करते हैं, 2 और 2, 2 जोड़ करके 4 हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसमें आप 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में 18 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 38 में फिर आपको 18 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, सही है, और 56 में फिर जो है हम 32 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंगली भी आप देख रहे हैं कि सही है। अभी आप जो है, मैंने बताया था कि पी ब्लॉक के लिए क्या मैजिक नंबर आएगा, 8, 18, 18, 32। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं सही है कि नहीं। ये 5 है, बोरॉन कितना है? 5 है, इसमें हम 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, अल्युमिनियम सही है, उसमें हम लोग 18 फिर जोड़ेंगे, 18 इसमें जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, सही है, और उसके बाद फिर 32 जोड़ेंगे, ये 32, और उसके बाद फिर 18 जोड़ेंगे, 18 आपको 49 हो जाएगा, और 49 के बाद फिर 32 जोड़ेंगे तो 32 इसमें जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। ये सीरीज भी सही है, सभी को आप मिला सकते हैं, सभी का सभी सही होगा। तो ये एक बेहतरीन आपको मेथोडोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथोडोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस मैजिकल नंबर यू कैन राइट डाउन एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, एंड आई हैव ऑलरेडी स्प्रेड दैट ऑन दैट व्हाइट बोर्ड एंड यू कैन वॉच हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है एक एक करके सभी ब्लॉक का प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसकी क्वालिटीज देखेंगे। हम देखेंगे यहां पर कि एक ये जो है आपको फर्स्ट ए ग्रुप को हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, सेकेंड ए ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। जैसे आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 एलिमेंट्स है टोटल। हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स? सो यू कैन से 13 एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक्स आर मेटल, और सभी के सभी इस ग्रुप में, इस ब्लॉक में जो मेटल्स आपको एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर ऑफ मेटल, आप मेटलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली आप बात करेंगे। हमने कैरेक्टर बता दिया था कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होता है वो मेटेलिक होता है, और कैरेक्टर अगर मेटेलिक हो तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। आई मीन दीज एलिमेंट्स आर द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आप कह सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी विशेषता है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, हाई नहीं होता है, लो होता है। चलिए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स का देख लिए।
उसके बाद हमने ये देख लिया कि इसमें जो एलिमेंट्स है टोटल के टोटल मेटल्स होते हैं, टोटल मेटल्स से कितने हैं, हाउ मेनी टोटल मेटल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द पीरियोडिक टेबल, ऑन द पीरियोडिक टेबल यू कैन से, तो नियर अबाउट 91 मेटल्स होते हैं, 20 नॉन मेटल्स होते हैं और 7 मेटल वाइड्स होते हैं। आपको 7 मेटल वाइड्स यहीं पर से आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो है मेटल वाइड्स ग्रुप है, मेटल वाइड्स ग्रुप में आप देखेंगे ये इस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेटल वाइड्स ग्रुप है। और कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं कि मेटल वाइड्स भी होता है, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। तो नॉन मेटल आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमको देखने को मिलेगा, आई मीन नॉन मेटल्स एलिमेंट्स ज्यादा होता है मेटल एलिमेंट्स से। आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी होते हैं नॉन मेटल्स भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की संख्या आपको मेटल से ज्यादा है, आई मीन इन दैट ब्लॉक नॉन मेटल्स एलिमेंट्स आर मोर देन मेटल्स एलिमेंट्स। तो आप यू कैन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उसमें कौन कौन ग्रुप आता है, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। यू कैन ऑल्सो से 3A, 3B, 4A, 4B, सॉरी 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A, ये टोटल जो ग्रुप्स है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है जो वहां पर आपको दिखाया जा चुका है। हम ये देखना चाहेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है वो पी सबशेल में मूव कर रहा होता है। किसी भी एक का एग्जांपल आप ले सकते हैं, चलिए सिलिकॉन का एग्जांपल ले लीजिए, वेरी गुड, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 3p2, 3p2, देखिए पी ब्लॉक का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3p2 है और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। किसी का भी आप इतना वाले इतना चार्ट में किसी भी एलिमेंट्स को आप उठा लें, सभी में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पी आपको सबसेल होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा होगा। तो इस तरह से डी ब्लॉक में भी देख सकते हैं, क्या डी ब्लॉक में कोई एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डी ब्लॉक में दिखा सकते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इस डी ब्लॉक में ये खूबी है कि सभी के सभी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक आर मेटल्स। ये सभी के सभी जितने भी आपको एलिमेंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें आपको 40 एलिमेंट्स होते हैं, नियर अबाउट टोटल इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, इसमें 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें आपको देख लिए थे 13 एलिमेंट्स हैं। ये टोटल का टोटल आपको मेटल्स था, ये 14 एलिमेंट्स टोटल का टोटल मेटल्स था, तो यहां पर 14 आप ऐड कर दीजिए कितना हो जा रहा है, चलिए। और यहां पर जो है मेटल भी थे नॉन मेटल भी थे, और इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 30 एलिमेंट्स है। तो 30 एलिमेंट्स में आपके मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, गैसेज भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, गैसेज भी नॉन मेटल में ही आता है, ठीक है। कुछ गैसेज हैं इसमें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपको ये टोटल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेरन, रेडन, नॉन मेटल कैरेक्टर शो करता है, तो नॉन मेटल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए मेटल होगा तो मेटल होगा। तो कुछ हमने जानकारियां लिया, यहां पर जो है इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या ये कहे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक का हाई होता है, एस ब्लॉक का लो होता है और पी ब्लॉक का भी हाई होता है, ठीक है। ये जब मेटल है तो ऑफ कोर्स इसके जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ये गुड कंडक्टर होगा, उसमें कुछ जो है नॉन मेटल होंगे तो बैड कंडक्टर होंगे, मेटल्स होंगे तो आपको गुड कंडक्टर होंगे। मेटल वाइड दोनों तरह के कैरेक्टर शो करते हैं,
चलिए यहां पर हम लोग एक चीज और देखते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपने यहां देख लिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर देख लिया, डी ब्लॉक देख लिया। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो इरेज करने के बाद इन लोगों के प्रॉपर्टीज पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे और एफ ब्लॉक पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए एफ ब्लॉक देख लेते हैं थोड़ा सा, एफ ब्लॉक देख लेते। जनरली एफ ब्लॉक को इसे बाहर निकाल करके नीचे दिखाया जाता है, लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैं एफ ब्लॉक यहीं पर बना देता हूं। आइए इसमें 14 ग्रुप्स बने हुए होंगे और ये दो पार्ट में है और दोनों में सेम 14 एलिमेंट्स हैं। यहां पर सेरियम है, सीरियम, और यहां पर थोरियम है, थोरियम, सीरियम 58, और यहां ल्यूटेटियम है Lu-71, यानी के सीरियम से ल्यूटेटियम सब 14 एलिमेंट्स होंगे। काउंट कर लेते हैं, 48, 59, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68, 10 हो गया, 69, 70, 71, यानी कि आपको 14 इसमें और 90 से 100 लॉरेशियम 103 तक 14 इसमें एलिमेंट्स होते हैं। इसको F5F सीरीज बोलते हैं, इसको सीरीज, और इसको 4F सीरीज बोलते हैं। सो दैट इज आल्सो नोन एज 4F सीरीज एंड दैट इज आल्सो नोन एज 5F सीरीज। सीरियम जो है दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइड्स एंड दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एक्टिनाइड्स। तो इसको एक्टिनाइड्स ग्रुप बोलेंगे, इसको लैंथेनाइड्स ग्रुप बोलेंगे, और ये आपका एफ ब्लॉक हो गया। एफ ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, हाईली एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इनका कम यूज होता है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल से बाहर इनको रख दिया गया है। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे एफ ब्लॉक में, एफ सबसेल में घूमेंगे, मूव करेंगे, सो दैट दोज आर कॉल्ड, दोज आर ऑल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देख लिया। उसको हम लोग जाना कि कैसे टेक्निक है उसका, एटॉमिक नंबर भरने का, फिलअप करने का। उसका हमने सिंबल देखा, सिंबल क्या होता है, द एब्रिविएशन ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो नॉन एज सिंबल। तो एब्रिविएशन होता है, वो एब्रिविएशन फॉर्म होता है, एब्रिविएशन फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट का, वो आपका सिंबल कहलाता है। और सिंबॉलिक फॉर्म में हमने जो है सभी एलिमेंट्स का नाम लिखा है। इधर ये वाला ब्लॉक हमने फिलअप नहीं किया इसलिए कि इसमें अभी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को खोज नहीं किए गए हैं, बहुत सारे इनकम्प्लीट हैं और इनका यूज भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे ट्रिपल लेटर वाले एलिमेंट्स आते हैं तो उनको अभी छोड़ दिया गया है, 11th में इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अभी हम लोग इतना तक देखे और फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो है हम लोग अलग अलग ब्लॉक का डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैक्ट्स टू नो पर डिस्कशन होगी हमारी। फैक्ट्स टू नो मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे बुक्स से, मटेरियल्स, नोटबुक से निकाल करके मैं जो कलेक्ट किया हूं फैक्ट्स टू नो, वो आपको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।